पता नहीं घर पे क्या हो रहा। पायल, पायल। हाँ दीदी। क्या कर रही है? कुछ नहीं, घर पे ही। घर का काम हो गया? हाँ हो गया, वो थोड़ा बहुत बाकी है बस। तो थोड़ा बहुत बाकी है, उसे कर ले। देख अभी तू कह रही घर का काम हो गया, मुझे तो यहीं से दिख रहा है, देख दरवाजे से ही दिख रहा है कितना काम। अभी झाड़ू भी पड़ी है, थोड़े से बर्तन भी शायद दिख रहे हैं। तो दीदी वही तो रह गया, वही तो करने जाती है, इतने में आपने आवाज दे दी मेरे को। अच्छा चल, तो तू काम खत्म कर ले और देख मैं थोड़ा शाम तक लेट आ पाऊंगी। क्यों, कहाँ जा रहे हो? अरे वो भैया ना, शिवम। शिवम भैया? हाँ हाँ, उसका जन्मदिन है। तो मैं भी चलूँ? नहीं नहीं, फिर घर का काम कौन करेगा? तो दीदी आप मेरे को ही छोड़ जाती हो, आप जब चाहे कहीं पे भी चली जाती हो, मुझे भी। अरे तो आगे को चली जाइयो ना, आज घर का काम फिर ही कर ले, अभी तो आज जन्मदिन ही तो है, अभी बतेरे काम आएंगे, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगी। क्यों परेशान हो रही है? मेरा भी तो मन करता है किसी के जन्मदिन में जाऊं, किसी की शादी में जाऊं, फंक्शन में जाऊं, तुम लेके नहीं जाती हो मुझे। मैं क्या तुझसे मना कर रही हूं? तो चलियो, लेकिन फिलहाल रुक जा, आज मुझे चले जाने दे। लेडीजों का संगीत हो रहा है वहां पे, तू क्या करेगी वहां जाके ये बता। हाँ बस वही है ना, काम मेरे ऊपर छोड़ देते हो आप, चले जाते हो शादी फंक्शन। ऐसा कुछ नहीं, तेरी गलतफहमी है, क्यों सोचती रहती है इतना, क्यों सोचती है हर समय कि मतलब कोई काम है या आप चली जाती है, मैं तुझे प्यार नहीं करती, तुझे नहीं ले जाती हूँ। तो क्यों नहीं ले जा रहे हो, छोड़ क्यों जाते हो मुझे घर पे? नहीं तो अब काम पड़ा है, पहले घर का काम खत्म कर ले तू, मैं शाम तक आऊंगी, ठीक है? आप ज्यादा वो मत कर। हाँ रसगुल्ले और बर्फी और जो पूरी और जो बनी हुई है वो मार के आओगे? तो मैं तेरे लिए घर पे रोटी बनना खाऊं? तो मैं ले आऊंगी ना तेरे लिए, क्यों परेशान हो रही है, दिमाग चला रही है? अगर नहीं लेके आए तो? अरे नहीं भी देंगे तो मैं मांग लाऊंगी, क्यों परेशान हो रही है? फिलहाल घर का काम खत्म कर ले तू, और मैं थोड़ा उसके यहाँ गवाया हूँ गाने वाने, है ना, वजन वजन जा। डांस भी करिया ना थोड़ा? हाँ डांस भी करी होगी। चल पता नहीं क्या होने वाला है। अरे चाची घर घर से आ रहा हूँ मैं। का अच्छा घर घर से आ रहे हो, इधर कहाँ जा रहे हो? तो अरे चाची ऐसे घूमने जा रहा था मैं। और बताओ सब कुशल मंगल है घर में? बढ़िया लाला सब कुशल मंगल है, तुम बताओ घर की? बस बढ़िया है, वगैरह ठीक है? हाँ चाची मम्मी वगैरह सब बढ़िया है। और घर में सब कब दे रही हो अब ये बताओ, ये खुशखबरी कब दे रही हो तुम? अब खुशखबरी तो जब भगवान सुनेगा जब ही दूंगी, इतनी ऐसे मैं अपने आप से खुशखबरी थोड़ी दे दूंगी। अरे तो अब प्रभु सुन ले तो तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी, तुम्हें दावत भी मिल जाएगी, तुम्हें लड्डू भी मिल जाएंगे। अरे भाभी बस ये इसी चीज की तो चिंता है, लड्डू वगैरह हमें कबू कछू तो मिले हैं घर में से, कभी खुशखबरी मिलेंगे। देखो अभी अभी तुम्हें मालूम तो है आजकल के बच्चों के बारे में, तुम्हें पता है कैसे हैं। अब चलो अपने जो ईश्वर करेगा वैसा ही होगा। और घर पे सब ठीक ठाक? हाँ वैसे सब ठीक है, वैसे सब कोई वो परेशानी ना, थोड़े काम से जा रही। हाँ तुम मिल गए, वो छोटी वाली को समझा के आई हूँ, वो है शिवम। हाँ उनके आज बर्थडे है। अच्छा अच्छा, उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ गानों में। बहू को घर छोड़ के आई हूँ, दौरानी को तू काम वाम कर लियो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ वैसे बहुत जल्दी सुनाऊंगी लाला तुम्हें खुशखबरी। इसी बात की चिंता रहेगी बस। तुम्हें इस बात की चिंता ना, तुम्हें दावत की चिंता है। खूब अच्छी दावत दूंगी ना, खुशखबरी होना तो एकदम बढ़िया लगा दावत है खावे पीवे में। अच्छा कैसी दावत खाओगे, पत्तल की खाओगे या सिस्टम की खाओगे? बोलवा कुल्हड़ की, दही बूरे की? वही चाहिए जे बफर सिस्टम तो बेकार लगा, तो जे तो जहाँ में तो लात घूसा वालों खाओ। हाँ वो तो है ना, कोई वोट हो पत्तल से अच्छी तो दावत हो ना कहीं, कोई बढ़िया नहीं है भाई। वैसे चाहे तुम कुछ भी खा लो, अब एक ही प्लेट है वहाँ में सब चीज रख लो, भैंस की सी लगा लो सानी उसे खा लो, क्या फायदा उसे खाने से? सही बात कह रही हो, लेकिन गोलू आप कुल्हड़ की दावत करवाइयो, अपने दही बूरे की मस्त वाली चकाचक दही दबाइयो दो दो बार। मैं काय को कराऊंगी, तुम करियो, सब मुखिया तो तुम ही रहोगे, तुम करियो काम सब। तो पहले हम तो खाएंगे बागे बाद में खवाएंगे। हाँ पहले खा लियो बाद में खवा। हाँ बाद में पटकाई कर। चलो तब मैं जा रही हूँ। तुम समय है, समय है। राम 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 राम। जल्दी जाऊँ बता दूँ घर जाके। पायल पायल। हाँ दीदी। क्या कर रही है, सुनती नहीं है, एक ही आवाज सुन लिया कर, दो दो आवाज चार चार आवाज लगानी पड़ती है मुझे। क्या कर रही हो, एक तो इतना सारा काम बता जाते हो, ऊपर से आप घूमने निकल जाते हो, मैं इसमें लगी रहती हूँ। अब बहू बेटी काम ना करूंगी तो मैं करूंगी? अरे तो दीदी मैंने किया नहीं है, दसियों साल से मैं ही कर रही हूँ, घर भी मैं ही संभाल रही हूँ। तू तो अभी आई है। मैं तो अभी आई हूँ तो संगते कम से कम हाथ तो बटा दिया करो तुम तो। मेरा तो हाथ, मेरा हाथ तो किसी ने नहीं बटाया आज तक, मैं तो अकेली आई थी इतने बड़े परिवार में। अगर तुमसे पहले मैं आती तो मैं बटाती नहीं। हाँ तो अब आ गई हो तो तू मुझे आराम दे ना, तू काम किया कर, मुझे आराम दे दे अब। क्या मैं आराम भी नहीं करने लायक नहीं हूँ अब? अब तुम काम बताओ, काम बताओ, पहले चिल्ला लेगी फिर काम बताओ।
काम ये है कि तू खाना बना ले जल्दी से। खाना? हाँ, दो सब्जी बना, पूड़ी बना, थोड़े से खस्ते बना ले, कुछ मिठाई बना लियो, रायता बनाइयो, खीर बना ले। तुमने इतना सारा सामान मुझे बता दिया, मैं मशीन फसीन हूँ जो इतनी जल्दी बना दूंगी खाना मैं? अरे तो अभी तो टाइम लगेगा बना लेना, एक डेढ़ घंटे में तो इसमें खाना नहीं बनेगा इतना। अरे तो इतना सारा किसके लिए बनवा रहे हो खाना? मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई तो तेरा भी भाई है ना। अच्छा, यानी तुम्हारा भाई आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ दीदी, आठ दिन पहले तो वो रह के गए थे, फिर आ रहे हो? बस तुझे जब भी दुख होगा ना, मेरे मायके वालों से जरूर होगा, मेरे भाई से जरूर होगा। क्यों है तुझे दुख इतना? भाई कमाने वाला मेरा आदमी, मैं देती हूँ तुझे, घर का राशन भर रखा है, पूरा घर मैंने भर रखा है, बनाने खाने में भी परेशानी है क्या? तो ये भाई के लिए भर रखा है घर? तो क्या हो गया, तेरा भाई आएगा तो उसे नहीं दूंगी? दीदी मेरा भाई तो आता नहीं है, मेरा भाई आता है तो फिर तुम उसे टिकने नहीं देती हो, बात तो ये है ना? तो फालतू की बात मत किया कर, हर समय जब देखो जब तेरा झगड़े का मूड रहता है। तुम्हारा भाई आ रहा है ना? हाँ। तो मेरे साथ में करवाओ काम, मैं अकेली नहीं करूंगी। मुझसे नहीं होगा, मैं उसकी इंतजार कर रही हूँ, मुझे और भी कुछ करना है। यानी तुम इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा भाई आ रहा है, खाना मैं बनाऊँ, सारा घर का काम मैं करूँ अकेली? कौन करेगा? मेरा भाई आता तो मैं करती ना। अच्छा मतलब तेरा भाई आएगा तभी काम करेगी, मेरा भाई आएगा तब कौन करेगा? तो संग करवा दो ना, मैं मना कर रही हूँ करने से। संग करा दो, तेरे साथ लगोगे तब तू खाना देगी किसी को। चल अंदर जल्दी से खाना बनवा। ठीक है। बता नहीं क्या हो गया है। अब चलता हूँ मारी बहन के यहाँ, अब जाके बहन के यहाँ जाके और आराम से आनंद लूंगा। 8 दिन उसके यहाँ हो गए, अब 8 दिन इसके यहाँ आनंद लेता हूँ भाई। भैया बड़ी गजब भाई, ये 8 दिन पहले आया था, अब ये दोबारा आ गया इस गांव में। इसने तो भाई बादर भाग दे, बड़ा गजब कर दिया, ये नहीं मानेगा। पप्पू बढ़िया है भाई तू? मांगा राम राम मामा। राम 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 राम। और मामा बढ़िया? हाँ बढ़िया हूँ, तू सुना। मामा मैं तो बढ़िया हूँ, पर एक बात पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। अच्छा भाई, ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम 8 दिन पहले तो रह के गए, अब तुम 8 दिन बाद फिर आ रहे यहाँ पे? ऐसो है भाई, मैं अपनी बहन के यहाँ आऊं या ना आऊं थारे को के मतलब? ओरा क्या मतलब, एक बात बताओ मामा। सुनो, रिश्तेदारी हो चाहे कहीं अपने घर हो बहन का, लेकिन वहां पे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। मैं जा रहा है, मुझे अकल मत दे भाई, मेरे को सब पता है कि किसके यहाँ जाना चाहिए किसके यहाँ ना जाना चाहिए। अब मेरा काम ये है कि 8 दिन कहीं रहना और 8 दिन कहीं रहना, थारे को के मतलब, थारे घर का खा रहा हूँ के। मामा मुझे मालूम है तुम दही रोत पे आए हो, दही रोत पे आयो, जैसे तू ही अपनी भैंसों को दे जाएगा ना यहाँ पे मारी बहन को, कि दही इनके निकाल लो। मामा तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितना करती है? मेरी बहन तुम्हारे से प्यार करती है, इसलिए हमारे लिए खूब करती है। तो ये मतलब जब इतना करती है तो तुम जरूर लिए तुम आए तीसरे दिन यही टपको? अरे मैं तो ऐसी आऊंगा और जिस पे रोका जाए रोक ले, और ज्यादा लपटेंट बनने की जरूरत ना, ऐसा चाट थपेड़ा मारूंगा कि यहाँ से भगता बनेगा। हाँ मामा तुम जब मामा क्या कर रही है? पायल पायल अब क्या हो गया, इतना सारा काम बता के अब क्यों चिल्ला रहे हो? एक आवाज में तुझे सुनाई नहीं देता तो मुझे चिल्लाना पड़ता है ना। अच्छा अब मैं बोलूं? हाँ बोल। ये काम कौन कर रहा था? भूत कर रहा था मेरा, जो मैं आपकी आवाज सुन के एक आवाज पे आ जाऊँ सारा? अब तू छोड़, भूत और भूत ये बता, खाना बन गया? खाना सारा बन गया। अच्छा? मटर पनीर की सब्जी बनाई है, गोभी आलू की सब्जी बनाई है, रायता बनाया है, खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है, कचौड़ी बनाई है। हाँ तूने तो खूब बड़ा। मीठे में क्या बनाया है? मीठे में वो है वो रसगुल्ले। तू तो बहुत अच्छी है, इसका मतलब अब तूने सारा काम कर लिया। हाँ। घर का भी काम हो गया, सारा खाना भी बन गया, झाड़ू पोछा हो गया, सब कपड़े धुल गए, बस एक ही काम बाकी रह गया है। अब क्या बाकी रह गया है? ये बाकी रह गया है क्योंकि घर में पानी नहीं है। पकड़ो, ये एक बात बताओ, मैंने इतना सारा काम कर लिया पर तुम पे पानी तक नहीं लाया जा रहा, वो भी मैं लेके आऊंगा? मेरे बस की नहीं है, तुम्हारे ही लाना पड़ेगा। मेरा भाई आने वाला है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा? अगर घर पे नहीं मिली तो? तो मैं तो मिलूंगी ना। नहीं तो मुझे वेलकम करना ना उसका। तो उनका वेलकम मैं कर दूंगी, तुम जाकर बगीचे से पानी लिया पहले, मीठा मीठा पानी नहीं है घर में, समझा कर बात को, बड़ों की बात मानते है। तू इतनी जिद्दी क्यों हो जाती है? तुम एक बात बताओ दीदी। हाँ, मैं सुबह से पागल की तनिया काम में लगी पड़ी हूँ, पर तुम्हारे दिल में ये तक नहीं आया कि चल मेरी दौरानी लगी है तो नेगर रेस्ट कर भी दे दूँ, पर तुम पे ये नहीं आया। अब तुमने एक काम और बता दिया, ये भी मैं चलो कल लाऊंगी काम, लेकिन कल को तुम फिर और बता दोगे काम मुझे? अरे पायल तो तू इस घर की बहू है, काम नहीं करेगी तो क्या करेगी, बैठी रहेगी क्या? बहुएं काम नहीं करती? अरे तो करती है तो सारा दिन लगे रहे काम। सारा दिन? अभी तो तू शहर में
अच्छी जगह पर रह रही है, अभी गांव में होती 15-20 भैंस होती, फिर क्या करती? अब ऐसा तुमसे बहस नहीं करनी, तो जा, मैं भी तुझसे बहस नहीं कर रही, जा पानी लेके आ, मुझसे जीतेगी, पता नहीं क्या जीतना चाहती है। अरे छोटी चाची अम्मा। अरे राम राम भैया जी। हाँ, अरे कहाँ जा रही हो? अरे भैया जी मैं क्या बताऊँ, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या कर रही हूँ घर में, मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं बताऊँ तो किसको बताऊँ। बात क्या हुई हमें बताओ, हम समझेंगे। बात कुछ ना हुई, बात ये हो गई, एक तो सारा दिन काम में लगाती रहती है दीदी के, ये कर ले वो कर ले है, एक तो अभी 8 दिन पहले भाई रह के गया था उनके, अब फिर दोबारा आ रहे हैं छाती पे। आ रहे हैं? और क्या? अरे वो आए ना रे चाची, वो पहुंच गए पल्ली गली से, अभी मुझे मिले। आ गई बे? अरे वो घर पहुंच गए, घर बैठे होंगे, रोते रहे होंगे, चाय चाय। अरे और हराम की खाना है तो वो बहन के यहाँ तो खाएंगे, है ना, उनसे खाई। सारा मुझे भुगतना पड़ रहा है कि ये कर, दो दो सब्जी बना रहा है, तवाना पूड़ी बना, सारा दिन लगी रही हूँ। अब ये पानी की कमी रही जो उनपे एक पानी तक नहीं आया। और सुनो चाची, मैंने उनसे कही, मैंने कि मामा एक बात बताओ, तुम 8-8 दिन पीछे यहाँ आ टपको, मैंने यहाँ पे तुम आ जाओ तो ये बताओ यहाँ पे रो रो जाना बढ़िया लगा। अम्मो बैठ के बोल, तुझे क्या मतलब, तुझे क्या मतलब, मैं आऊँ, मेरी बहन का घर है, वो खर्च कर रही है, मैंने मुझे पता तुम दही रोते हुए आओ, वो दही ज्यादा खाते होंगे, बहुत काम धंधा तो है नहीं है, आदमी क्या होते हैं, 8 दिन भागे घर, 8 दिन भागे घर, यहाँ रोटी खाली वहाँ रोटी खाली। अरे एक बात बताओ, इनके घर पर रोटियां ना होने का बात है? अब वो ही तो मैं कह रही हूँ, वो नहीं आया मैं लपक भाई रोटी ने, जब मेरे घर को कोई आ जाता है ना तो भगा देती है। अच्छा एक बात तो देखिए चाची, मैंने वो आज तो खाली हाथ है पर लेके पोटरा से भर के जावा यहाँ से। अरे देती होंगी अपने भैया को। अब जो कचू होए तुम ऐसा पानी भर के घर निकल जाओ। हाँ, नहीं फिर दोबारा चल लेंगे पड़ेगी ना। हाँ, और का राम, 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 राम 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 चाची। फिर आ गया सत्यानाश, पूरा रास्ता खोटा करके रख दिया मेरा। इसकी तो शकल देख लूं ना तो मेरा तो सिंगार में भी कमी आ जाती है। राम राम। और बढ़िया बढ़िया है लल्ली, के हो गया, के देख रही है? वैसे आ ही गए रोटी तोड़ने, मतलब कहने का मतलब है कि आ ही गए अब। हाँ हमारे को अब कोई काम था नहीं तो मैं भी कैसे काम? मैंने सोचा कि थोड़ी दिन बहन के यहाँ घूमाऊं। हाँ फालतू आदमी का तो घर काम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम फालतू हो, अब फालतू होगा क्या काम है? ए छोरी मैं थारी इज्जत कर रहा हूँ, मैं बिटिया बिटिया कह रहा हूँ, तुम हरे कपड़े उतारे दे रही है समाज में। ओ मैंने अभी कपड़े उतारे कहाँ हैं, जिस दिन उतारती हूँ ना पूरी तरीके से नंगा करके छोड़ती हूँ। देख छोरी मैं तेरे से बकवास करने के मूड में तो ना हूँ, देख मेरे को बहन के घर जाने में देरी हो रही है, हरे को जाने दे। अच्छा एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। हाँ आपके घर में नाच वगैरह है या नहीं? नाच वगैरह? अरे खेत में अभी गेहूं बोई है, अब कटेंगे तब उसके बाद में नाच होवेगा। वही तो क्यों नाच से तेरा के लेने देने? अच्छा वैसे साबुन वगैरह तो होगा नहाने धोने के लिए? ना मारे को तो मुल्तानी मिट्टी की जरूरत पड़े, ऐसा खेत में से बटोर लाबू। हे भगवान, जब ही तो मैं कहूँ कि अपना बचा के अपनी दूसरों के यहाँ खर्च करने आ जाते हो। ना 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 ऐसी बात कूना, मैं तो खाली बहन के प्यार की वजह से आ जाऊँ, फोन कर दे तभी मेरा मन उठे तो मैं बहन के घर चला आऊँ। और मेरी बहन तो बहुत प्यारी है, देख और देख सुन बहुत सारा सामान भी लाया हूँ उसके लिए, देखो तो सही जरा। अरे जीजी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, और बता तू कैसी है? अरे जीजी कहाँ सही हूँ मैं, सही भी हूँ नहीं भी होती हूँ, पर हमारी दीदी है जो चैन नहीं लगन देती, सुबह से इतना काम बता दिया है, एक तो उनका भाई आ रहा है, हैं 8 दिन नहीं हुए तो ना फिर आ रहा है। अरे ये खुशखबरी तो मैं ही तुझे देने वाली थी, तूने सबसे पहले मुझे बता दिया। अरे उसका भैया मुझे रास्ते में ही तो मिला था। हैं और क्या, अभी मैंने भी उसकी ढंग से उतारी, खूब उतारी, खूब किरकिरी करी उसकी। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया ना। हाँ मैं तो अच्छा ही करती हूँ, इतना काम में लगा रखा है, खीर पूड़ी और दो दो सब्जी, पनीर मटर पनीर की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, कचौड़ी और गुलाब जामुन। इतना सारा खाना तूने अकेली ने बना लिया? पर पानी की कमी और रह गई, एक पानी भी नहीं लाया गया, उनपे पानी भी मैं ही लेके आ रही हूँ। देख छोटी बहू, खैर छोटी बहू क्या कहूँ, भाभी बोल सकती हूँ मैं तो, इस गांव की लड़की हूँ। देख भाभी
एक बात कहूँ तेरे से मैं। हाँ दीदी बोलो। तू जो है पहली बात तू इतना सारा काम करती क्यों है पहली बात तो, और फिर दूसरी बात उनके हुकुमों पे मत चला कर। एक तो उसका भैया साला एक नंबर का गोबर भल्ले, उसके ना मुंह में गोबर सूस दिया कर। तेरी जगह मैं हूँ ना तो डंडा लूं और गोबर धा धा ऐसे कर कर के ठूसूं मैं। सही सीधी बन का तो ही फायदा उठा रहे हैं, तुम बार होती तो फिर घर में पता चलती ना कैसा है, कैसा तो नहीं इसका है। मतलब तुझे भी पता चल गया कि मैं डेंजर हूँ और क्या, मुझे जीती रहे, जीती रहे, जीती रहे। मैं तो मेरी जगह पे घर में होती तो पता चल जाती। क्या मैं क्यों किसी के घर के मामलों में बोलूं, सारा गांव जानता है कि मैं सब किसी का भला चाहती हूँ, लेकिन देख अच्छा नहीं लगता किसी के घर के मामलों में बोलने में, तू जानती तो है ना। पर मैं एक राय दूंगी तुझे, आपके इसका भैया आ गया ना तो खाने में इतनी मिर्च और नमक डाल दियो, इसे जो काम को करना जरूर सही है। इतना सारा नमक लियो और इतनी सारी मिर्च लियो और उसी के खाने में डालियो, दो दिनों में यहाँ से अगर उसी दिन रवाना ना हो जाए। दीदी ये तुमने मुझे आइडिया बहुत अच्छा दिया, और ये काम करना जरूर। अरे बिल्कुल अभी से, वैसे तो अभी तो बन गया है खाना, खाना बन गया ना, वैसे तो दोबारा भी उसमें डाल सकती है कोई दिक्कत नहीं, पर अभी तो वो नया नया है, उसके व्यवहार देख क्या हाल चाल है। पर इतना मैं बता रही हूँ, अब वो आ ही गया है ना, होटल खुलवा देगा घर में, देखी हो तू। अरे होटल, मैं कह रही हूँ कहीं होटल की दुकान तक ना ले आए वो यहाँ। अरे पूरा होटल खुल जाएगा घर में, तो बना बना के थोप थोप के देती रही हो, क्योंकि नौकरानी तो तू बना रखी है उसने। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। अरे ना दीदी मैं क्यों बोलने लगी तुमसे कि बोलती है, बोलो ना, तुम्हारी बात तो मुझे अच्छी लगती है, बाकी तुम समझा ही रही हो, मुझे आइडिया दे रही हो। अब देखिए एक चीज और मैं तुझे बता रही हूँ, देख मेरा काम था तुझे समझाना और तेरा काम था समझना। अब मैं जा रही हूँ, जरा देखूँ वो पड़ोसी के घर में जरा लड़ाई हो रही थी, जरा मैं देखती हूँ। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। बहना, अरे ओ बहना देख थारा भाई आगे। भाई जैसी आवाज आ रही है, ओ भैया आ गए तुम? हाँ आ गया मैं, और सब ठीक है, बढ़िया है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो? हाँ बढ़िया हूँ मैं भी, बस मैं तो इसीलिए आया, मैंने मेरा मन नहीं लग रहा, मैंने कहा बहन के मुझे भी बहुत याद आ रही तुम्हारी, मैं इनके भाई ना आए कितने दिन हो गए, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। चल तो ये ले, ये सामान ले गया थोड़ा सा थारे लिए, अब आओ तो आ रहा लियो। हां चलो चलो आ जाओ, ये बैठ बैठा हूं, थक गया। और बताओ तुम घर की हालचाल बताओ। अरे घर के हालचाल के बताऊं, घर तो मैं गया ही नहीं बहुत दिन हो गए। क्यों कहाँ पे गए थे, घर नहीं गए थे? अरे 8 महीने हो गए, घर जाने का मौका ही नहीं मिलता। क्यों? अब तुझे तो पता है, देख सारी बहने मुझसे कितना प्यार करे, अब तू भी प्यार करे तो तेरे द्वारे आ गया। अब तुझसे पहले सुनीता का फोन आया, सुनीता बोली कि ऐसा करना भाई कि तुम आ जाना, तो मैं भी चला गया उधर। हाँ भैया अच्छा किया, याद भी बहुत आ रही, मैं सोच रही पता नहीं कब आएंगे, अचानक ही खबर आ गई तो बड़ी खुशी हो गई। अभी बताओ क्या लोगे, पहले चाय बनवाऊ या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोगे, क्या लोगे या डायरेक्ट खाना खाओगे? खाना तो अभी कोई मन नहीं है, तू तो ऐसा कर आधी किलो करीब दही लेके और उसमें थोड़ा बूरा डाल के और घोट के मन्ने दे दे, लस्सी समझ के पी लूंगा, और थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक मंगा लियो और चाय घंटे दो घंटे बाद पी लूंगा फिर मैं। चलो ठीक है ठीक है, अभी अभी मंगा रही, तुम बैठो यहीं पे बात। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे पायल, अरे बुला रही हूँ छोटी वाली को, अभी बनवाती हूँ। पायल। हाँ दीदी। पायल आ गई, भैया आ गए बड़े। आ गए। अब बढ़िया ठीक है तू? नमस्ते नमस्ते भी नहीं। नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते भैया कहना पड़ता है। के बात है बेटी, नमस्ते नमस्ते करना भी भूल गई, बड़ों का आदर करना ना आवे के। हाँ मुफ्त के तो उन्हें आए। के कह रही है? कुछ कह रही है? ना कुछ ना भैया, मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ तो जा, कुछ ना कह सकती, मेरे भैया के लिए ना आधी किलो दही चढ़ा दे, उसमें बूरा डाल दे। हाँ लस्सी बना रहा, लस्सी लिया वो मैंने बना दी, मुझे पता है भैया को दही और लस्सी पसंद है। हाँ तो कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, फिर कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ले थोड़ी देर बाद पी लूं। हाँ चलो तुम पहले लस्सी पियो, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक मंगा तुम्हारे लिए। आएगी बहू ले आएगी लस्सी, और सुना बहन। हाँ भैया अभी तो सब उस पर तुम्हारा आशीर्वाद है। और ये छोटी बहू सही तो चल रही है कि नहीं? हाँ ना चलेगी तो चला देंगे सही। अरे हमारे को पूरा विश्वास है हमारी बहन पे, जैसे अच्छा खासा चलाएगी घर परिवार। हाँ वो चला नहीं है इतने दिन से, अब चला ही रही हूँ, अब जे पायल आ गई है तब है, अब अभी तो करती है, कहती रहती हूँ मैं उससे। ना पकड़े रही हो इसकी लगाम, संभाल के रखियो, कहीं ऐसा ना हो छोरी हाथों से निकल जाए। मैंने 10-15 साल से घर संभाला है, और आजकल की बहुओं को 2 दिन का काम करने में परेशानी आ गई भैया। बात तो है, आजकल की बहू है यूं सोचे कि जाते ही राज हमारा हो जाए घर में। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा करना दियो, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का राज रहे इस घर में। चिंता मत करो भैया, मैंने लगाम खींच के रखी है। चल बढ़िया है, चल अब मैं थोड़ा। पायल
सुनो चलो तो बोलिए मत बुला मारी कुथाड़ी थोड़ी सी थकान हो रही है चलो तो मंदिर चलो। हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हारे लिए सब व्यवस्था बना दी आ जाओ चलो बैठो भैया। हाँ बहन और बैठो तुम बैठो आराम कर लो लेट लो तब तक मैं तुम्हारे लिए लस्सी भिजवा रही हूँ अभी ठीक है आराम करो। कुछ भी सही आनंद की तो सही के मैं भाई किसी के भी घर चला जाऊं मैं तुम्हारे को तो पूरा आनंद मिला किसी भी बहन के घर चला जाऊं और सबसे ज्यादा मन ने प्यार करे यू ये तो इतना प्यार करे कि इसका तो कोई ठिकाना ही ना है जब चाहो जब आ जाओ जब बहन ने कभी मेरी इज्जत में कमी ना छोड़ी। चलो अच्छी बात है अब के सोच रहा हूँ थोड़ा ज्यादा सामान बांध के ले जाऊँ इसके घर से प्यार से रखेगी पड़े मना करूँगा आना कानी करूँगा फिर ले जाऊँगा के है मेरा तो यही काम है भाई के हो गया लस्सी नहीं आई के बहन भूल गई के कहते भैया लो अरे आ गई मैडम। हाँ आ गई लो तुम लस्सी संभालो मैं गिलास ले आऊँ जरा। अरे सुन मेरी बात हाँ। गिलास की क्या जरूरत है गिलास में तो बच्चे पी में ऐसे पी लोगे इससे क्या हो रहा है एक डेढ़ किलो दही है ये तो ऐसी चली जाएगी पता भी ना पड़ेगी कितने को चली गई। हाँ तो पी लो अब भैया ये बताओ अब तो तुम रहोगे ना बोर्ड ना रहा हूँ तू कह तो मैं आज ही चढ़ा जाऊंगा ना मैं तो इसलिए कह रही मेरे पास अब तो रुकोगे ना 4-6 दिन थारा मन है तो मैं तो 4-6 दिन के महीने भर रुक जा। हाँ तो तुम 4-6 दिन बाद ही जाइयो थोड़ा सामान तो ले जाइए सामान वामान की क्या जरूरत है बहन देख मैं तो ये चाहू कोई कहने वाला ना हो जाए कि बहन के घर आवे सामान ले जावे तो कोई रख जावे जो कहेगा मेरे से मेरा मेरा सामान मेरा घर मैं किसी कितना दूं क्या दूं किसी को क्या मतलब है। सही बात है देख थारा मन है तो जो चाहे वो रख दियो खैर मैं अभी तो जा रहा हूँ 4-6 दिन 8 दिन यहाँ रहूंगा ठीक है। चलो ठीक है आप लस्सी पी लो मैं खाने खाने की व्यवस्था खाना केक कोल्ड ड्रिंक मंगा लियो अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा मन है। चलो चलो तुम कोल्ड ड्रिंक पी लेना ठीक है मैं मिठाई पी। हाँ हाँ ठीक है भैया। अरे बेड़ा ओ बहना भैया चिल्ला रहे। हाँ भैया कुछ कर रही थी के हाँ भाई थोड़ा सा घर का काम था बताओ तुम बताओ बाद में कर लूंगी काम। चलो कोई बात ना अब एक बात सुन। हाँ बताओ। मारा मन कर रहा है कि बहुत अच्छी सी कड़ी हो पकौड़े वाली और चावल हो साथ में तो आनंद ही आनंद। भैया की बातें अभी बनवा दूंगी वो पायल बना लेगी जरा सी देर में तो मैंने तो कल भी आपने कहा था पकौड़ी बना दे गोभी की पालक की तो मैंने बनवाई नहीं थी जरा देर में आनंद आ गया। ये समझ ले कि मैं भूल नहीं पाता हूँ तेरे घर आता हूँ तो बस मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये कहता हूँ मेरी बहन के यहाँ बड़े भाई है और उन बूने भी मैं सही से ना रखूँ तो बेकार है। अभी लो अभी ऑर्डर करूँ पायल पायल। जी दीदी। भैया को ना कड़ी चावल खाने हैं और जाके ना कड़ी चावल बना दे वो थोड़ा बेसन में ना थोड़ा मेथी का तड़का और उसका हरी मिर्च का तड़का जरूर मार दिए। दीदी ये तुमने इतना सारा खाना बनवा लिया है फिर उसका उसमें से उन्होंने खाना बना मारे लिए बना दे चावल और कड़ी बना दे कड़ी चावल मेरे भाई के कह रहे हैं तो और सुन मठा तो घर में रखा है मठा तो घर में रखा है लेकिन बेसन तो नहीं है बिना बेसन की कड़ी कैसे बन जाएगी। बेसन खत्म हो गया भैया तुम क्यों चिंता करते मेरे होते हुए वो ना पड़ोस में फर्रो फर्रो। हाँ अरे वही फर्रो जो इठलादी फिरती है गाँव में। अच्छा वो सोनिया दीदी। हाँ वही फर्रो की बोलती हो। अरे वो फर्रो ही है फर्रो की तरह घूमती है पूरे गाँव में। ज्यादा चलन लावी दिखे थारी छोरी यूं कह रही है फर्रो को बोलती है वो तो बोलेगी बड़ी है घर में और थारी से जितना काम बताया जाकर उतना किया। जा उसके यहाँ से बेसन लिया वो दे देगी ठीक है जा रही। हाँ, बच्चे, जा, बच्चे की तरह रहना तो ज्यादा अच्छा लगे है। भैया तुम आराम करो किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बुला लियो। चल ठीक है ना मैं अभी कड़ी चावल तैयार करा रही हूँ। ठीक है ठीक है। अरे सोनिया दीदी सोनिया दीदी। अरे पायल तू नमस्ते कैसे आना हुआ आज तो बड़े दिनों में आई मेरे घर में आना बड़ा मजबूरी में बेसन लेने वो भी। अरे तो ऐसी बात कर दी तेरे लिए भला मैं किसी चीज के लिए मने करूंगी ले पागल हो गई है। मेरे लिए कहाँ फिर जो उनका भाई आया हुआ है ना कड़ी चावल खाने को पानी मांग रहा है मुँह में से कड़ी चावल चाहिए सारा खाना इतना पड़ा हुआ है वो नहीं खाएंगे कड़ी चावल का मन कर रहा है जैसे कि उनके पेट में है क्या। तो इसका मतलब वो भी गया नहीं है। कहाँ गए हैं पूरे 10 दिन हो गए अभी तक जाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं यहाँ हमारी छाती पे बैठे हैं
कि ये माँ के वो खा के ये बना के वो करके पकौड़ी के चाट जाने क्या क्या बनवा के खाती रह रहे हैं। अच्छा आज आज मुझसे ये बोल दिया कि बेसन मांग लो जाके, ने जो जो हमारी दीदी नहीं है फर्रो बोल रही थी, आज मेरी हो गई मुझसे। हाँ मैंने तो बोल दिया मेरी वो फर्रो है, है? तो वो जो कह रहे उनके भाई क्या बोला, ए जमाल लड़ा रही है मेरी बहन से, वो बोल रही है उन्हें बोलने दे। हाँ? अच्छा मैं चुप पे गई फिर मैंने, चलो तू जा यूं कह देती कि उस फर्रो से एक बार भिड़के तो देखो, वो फर्रो पा वो फर्रो ही नहीं वो तुम्हारे तीतरी से उड़ा देगी। खैर छोड़ तू क्यों उससे जवान लड़ाए, ला मैं तुझे बेसन ला के देती हूँ, ठीक है यही रह तू। बता जाके नहीं अब मुझे तो मन करता है कि जहर की पुड़िया या तो चूहे मारने की दवाई खिला दूं मैं सब्जी में, या सारे दिन देखो काम इसमें रख दिया है मैंने बेसन, और ले ले। और सुन कोई भी परेशानी हो कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे बता दियो आके, वैसे मैंने जो तुझे नुकसान दिया था वो तूने किया नहीं किया? अरे दीदी कुछ नहीं, वो क्या है उनकी दीदी तो साथ में रहती हैं मेरा 24 घंटे मेरे आगे पीछे के, मैं कुछ कर ना दूँ खाने में। अच्छा हाँ इसलिए नहीं दे पाई। खैर कोई बात नहीं तू अब जा, बहुत देर हो जाएगी फिर फालतू में तुझसे लड़ेगी। अच्छा नमस्ते। ठीक है नमस्ते, ठीक से जाइए है ना। ठीक है। अरे बहना, अरे किधर चली गई भाई बहना? अरे भैया हाँ बोलो। अरे अब बहुत दिन हो गए, अब मारे को जांच दे भाई, मारे को अब जाना है। भैया ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कितने दिन हुआ? अभी 8-10 दिन हुए हैं। 15 दिन हो गए, थारे को गिनती भी ढंग से ना आवे। देख अब देख सुन मेरी बात, हमारा मन तो है नहीं है, तुम जाओ। अरे कोई बात ना बहन, भाई को ज्यादा दिन बहन के घर रखना नहीं चाहिए। और देख सुन मारी बात तो तू जानती है, मारी समाज में कितनी इज्जत है। मैं ना चाहूँ कि मारे बारे में कोई गलत शब्द बोले। और देख अब उसका मंजू का फोन आ गया छुट्टी वाली का, बोली के भैया तुम बहुत दिनों से ना आए तो तुम एक बार घर घूम जाओ। तुम मंजू के यहाँ जाना चाहो तो चले जाओ, पर यूं मत कहो कोई कुछ बोले, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ ना बोल सके। देख छोटा वाला साड़ा भी फोन कर रहा हमारा कि जिज्जा जी बहुत दिन से नहीं आए तो एक दिन घूम जाओ। तो मैंने अच्छा, तो तुम दोनों जगह होता अब तुमने मन बना लिया जाओगे? हाँ दो चार दिन तुम रुको, मैंने ना थोड़ा सा सामान घर के लिए पैक बहन के जरूरत थी ना। भैया सुने करो तुम, मैं अभी लेके आ रही हूँ, तुम यहीं पे खड़े रहो। कह रही है तो खड़ा सामान, कह रही है पता नहीं के रखा होगा। बाप रे बाप जी सामान है देखो, यू सब कैसे लेके जाऊंगा मैं? इसमें कुछ भी ना, 2-3 किलो तो देसी घी है, 10-15 इसमें साड़ी रख दी है मैंने, और इसमें चावल है। देख इसी बात के लिए मैं अपनी बहन से इतना प्यार करूं कि अपनी मेरे साथ साथ अपनी भाभी की भी सोचे। 5-5 किलो दाल भी रखी है इसमें। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख बहन मन तो ना ले जाने का, लेकिन ना भैया ले आओ कर रही है तो मैं ये सब ले जा रहा हूं। ना तुम ले जाओ है ना, और अब मुझे पहले ही बताओ अब कब आओगे? अब 2-4 दिन रह के आन तो दे, फिर आ जाऊंगा थारे घर। हाँ तुम आ जाइयो ध्यान से। और महारा के मेरा महारा के महारा तो जब मन होवे अपनी प्यारी बहन के घर आ जाऊंगा। ठीक है चलो उठवा दे थोड़ा, अब तुम्हें इतना बांध दिया आती हूं, संभाल के ले जाइयो भैया है। ठीक है भैया संभाल के जाइयो। ठीक है बहन राम राम। राम राम भैया राम राम। मेरे भैया चले गए पता, मेरा तो मन भी ना लगेगा अब घर पे। अरे भैया ये क्या ले घर जा रहे हो क्या? हाँ बस बहन बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा कोई बात ना। अच्छा मैं ये कह रही हूँ। हाँ बता। मैं बुरा मत मानना भैया। बुरा क्यों मानूंगा था, छोटी बहन का कोई बात का बुरा मानता होगा। आज कह रही थी कि ये तुम सामान हर बेरी तुम आते हो, जब देखो सामान कुछ ना कुछ लेके जाते हो, कुछ देके भी जाते हो। बहन मैं तो बस आम हूँ, मैं ना कहूँगा मेरे लिए सामान रख दो। अब वो तो मेरी बहन का प्यार है कि 2 किलो देसी घी और 5-5 किलो दाल ले और 15 धोती बांध दी। कम से कम भैया बिदा भी दे दिया करो बहन को। बहन को ले भाई ना बिदा, मैंने तो दिए उसके हाथ में 2 रुपए, अब ले ही ना रही तो इसमें हमारी की गलती है। जब भी आते हो भैया कुछ ना कुछ लेके जाते हो, कभी कट्टे भर के लेके जाते हो। अब तू परेशान मत कर, देख बजट बहुत हो रहा है, हमारे को अभी बहुत दूर जाना। ठीक है जाओ। हाँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। चलो बला टली। के हो गया ये हाथी का बच्चा किधर से छूट गया? ए तमीज में बात कर, समझ में आ गई ना? लिया है वैसे हराम का माल, हैं? चैन तो नहीं पड़ा? ऐसे ही घर घर बहनों के यहाँ जाके माल इकट्ठा करके अपने घर में ढेर लगा देख। छोरी तू इस गांव की छोरी है तो मैं थारी इज्जत करूँ तो इसका मतलब यू ना है कि तू कुछ भी अंट शंट पकेगी मारे से। ओहो वैसे भी तुम जैसे भिखारियों के यहाँ होगा क्या? बहनों के यहाँ से लूट लूट के ले जाते हो। बहनों के यहाँ से थारे यहाँ से लूट के ले जा रहा हूँ। और सुन
बजट बहुत है, फालतू की बकवास तो करे ना। दो किलो देसी घी है इसमें, 5-5 किलो दाल है और 15 धुत्ती है। हाँ? और बाल्टी ऑफर में मिली है हमारे को। अच्छा, ओ ये क्या है, दिखाइयो एक मिनट। अरे सुन ले, सामान में हाथ मत लगा, फालतू में तेरे ऊपर पलट दूंगा, इस कट्टे को दब जाएगी। हाँ बता रहा हूँ, नहीं आती तुम्हें, हराम का खा के तुम्हारे दस्त नहीं होते। मारे को नहीं आती शर्म, मारे को नहीं आती शर्म भरम। ऐसी तो तुम हो और ऐसी वो तुम्हारी निखट्टी बहन है। तुझसे तो बढ़िया, कम से कम अपने माँ बापो के घर रोटी तो ना चुगरी। खैर छोड़ो, माँ बापो के घर तो रह रही हूँ, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी तरह और तुम्हारी बहन की तरह ना लुटा रही ना लूट के लेके आ रही। लुटा के रही है वो तुम्हारे से प्यार करे, बहन भाई का प्यार तुट के जानेगी। जब तू अपना परिवार छोड़ के आ गई, अपने पति को छोड़ के आ सके, तू बहन भाई का प्यार की जानेगी छोरी। और सुनो, उस बहू के हाथ में 1 रुपया रख के आई। चल मैं मारे को तहरे से कोई बात ना करनी, मारे को और भी काम है। मेरा बस चले ना तो ऐसे निकम्मो निखट्टो को ना तो इस गांव के अंदर नहीं आने दो। भाई भल्ला है मामा, क्या भल्ला है? बात देसी की है, इसमें हाथ मत लगा, दस्त हो जाएंगे तुझे। अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे पता नहीं तुम भर के ले जाओगे, जब पोटरा था तो भर के ले जाओगे तुम। तुम्हारा तो यही नियम है कि 8 दिन बाद आए और यहाँ पोटरा बांधा और चलो। एक बात बता मारे को, थारी जेब से ले जा रहा हूँ कि थारे घर में से खा रहा हूँ कि तेरे इतनी मिर्च क्यों लग रही है भाईओ? अरे तो नेका शर्म तो कर लो, तुम हर बार 8 दिन बाद आते हो, क्या करना चाह रहे हो? वहाँ पे कोई मील खोलोगे तो दुकान खोलोगे? मैं महारा पेट से ही छूट जाए तभी तो कोई मील खुल जाएगी। और सुनो, फालतू की बकवास ना करूं तो ऐसा चपेटा मारूंगा कि कंसरे लाल कर दूं तेरे। हाँ मामा, सुनो जमीन में बात कर लो, ऐसा है यू तो है ना मामा, आ रहा मामा को कुछ दे दे, दुपट्टा ही देते यू। मेरी बहन ने इतने प्यार से दिया, थारे को देने के लिए नहीं दिया, मारे लिए दिया तो मैं अपने घर ले जा रहा। भाई वाह, बहन ने बड़े प्यार से दिया, तुम भी तो आए तीसरे दिन यहाँ आ कूदते हो। मारी बहन मारे को प्यार से बुलावे तो आऊंगा ही भाई। अभी यहाँ पे जो पोटरा भरे और मुझे पता थी तुमने जाने वाले।